हेलो एवरीवन, दो सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इंडिया कुड विन द मैच, दूसरा इंडिया कुड हैव वन द मैच। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? दोस्तों, एक सेंटेंस में आपने देखा हमने लिखा है कुड विन, एक में लिखा है हमने कुड हैव वन। क्या इस सेंटेंस के मीनिंग में कुछ चेंज होगा? बिल्कुल होगा। देखो, पहले वाले जो सिचुएशन है वो सिर्फ ये बता रही है हमको कि भारत मैच जीत सकता था। इसमें यहां बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं हुई है कि इंडिया ने मैच जीता है या नहीं जीता है, सिर्फ इतना बताया कि मैच जीत सकता था। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में जब हमने कहा इंडिया कुड हैव वन द मैच, इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है इंडिया मैच जीत सकता था लेकिन नहीं जीता। दोस्तों, परफेक्ट मॉडल यानी कि मॉडल के बाद हम जब हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो यह सेंटेंस को कंफर्म कर देता है कि कोई एक्शन ऐसा जो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। और जबकि हम जो नॉर्मल मॉडल लगाते हैं मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सिर्फ हमको इतना ही बताता है कि कोई काम किया जाना चाहिए, कोई काम हो सकता था या कोई काम होने की संभावना है। ठीक है, जैसे दो सेंटेंस और कंपेयर करते हैं, वी शुड रेस्पेक्ट आर एल्डर्स, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपने रेस्पेक्ट एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इसमें रेस्पेक्ट की या नहीं की ऐसा बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं वी शुड हैव रेस्पेक्टेड आर एल्डर्स, इसका मतलब हो जाएगा हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। तो ये परफेक्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।